प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी यूट्यूबर निमरा अहमद को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी लुबना जैदी जी, जो है तो पाकिस्तानी मूल की पर वो यूके में रहती हैं। और खास बात यह है कि वो भारत के बारे में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखती हैं और भारत में आजकल काफी ज्यादा चर्चित हो रही हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी जिसमें ये दोनों बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत पे। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच मैम। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड ही काफी ज्यादा खबरें सामने आ रही है। पहले तो ये कि इंडिया की जो कॉलेज गर्ल्स हैं उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया है, एक उन्होंने बहुत बड़ी रैली निकाली है जिसमें वो एक बड़ा अनोखा सा स्लोगन लगाती हुई नजर आ रही है, दाढ़ी रखो या गर्लफ्रेंड रखो। आई थिंक दाढ़ी का कोई मजहब से ताल्लुक नहीं है, ये मुसलमानों ने खुद अपना ताल्लुक जोड़ा है। इसमें कहीं नहीं लिखा इस्लाम में कि आपको दाढ़ी रखनी है आप मुसलमान हैं। ऑफ कोर्स कुछ मुसलमान आदमी रखने के रखते हैं क्योंकि उनको लगता है प्रॉफिट रखते थे तो हमें भी उनकी नकल उतारनी चाहिए, मगर इसमें कोई अमाल का या आपकी डीड्स का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं। तो ये मुसलमानों ने खुद एक चीज अपना कल्चरल तौर पर एक बिद्दत भी आप बोल सकते हैं बनाई है। मेरे नजर में जो दाढ़ी रखते हैं आजकल के आदमी, भले वो रिलीजियस रीजन से रखें या नहीं, कुछ आदमियों को एक तो दाढ़ी सूट करती नहीं, उनकी शक्ल कुछ और होती है, दाढ़ी कुछ और होती है लगी हुई। प्लस ऑफ कोर्स एक अलग तरीका होता है ना दाढ़ी बनाने का, कभी एक है कि मूछें रखी हुई है साथ में, मूछें नहीं रखी हुई है साथ में, और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। और कुछ तो आदमी जब से जवान होते हैं अपनी दाढ़ी की शेव नहीं बनाते, ऐसा लगता है कि प्यूबिक हेयर नहीं होते, पतले पतले से बाल, अजीब से बकरे की तरह, इस टाइप का लुक कौन लड़की पसंद करे। एक तरीका होता है रखने का कि इंसान अच्छा भी लगता है, और मगर अनफॉर्चुनेटली बकरे लगते हैं जो आदमी और लड़के, तो उनको कौन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएगा। तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है लुक के, ये देखना चाहिए कि अच्छा लग भी रहा है आपकी शक्ल पे या नहीं लग रहा है। अच्छा मैम, ये वाला जो प्रोटेस्ट हुआ है वो इंडिया की लड़कियों ने किया है, तो ना अभी से कुछ अर्सा पहले बहुत से केसेस भी सामने आते रहे हैं कि मुसलमानों ने वहां पर हिंदू लड़कियों को एक लव स्टोरी सी बनाकर तो उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जैसे श्रद्धा और आफ्ताब वाला केस सामने आया था कि आफ्ताब जो मुस्लिम लड़का था उन्होंने उसने जो था वो हिंदू लड़की को काफी ज्यादा पीसेस किए थे, फिर उसको फ्रिज में भी रखा था काफी देर और फिर उसको फेंक दिया था। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन लड़कियां मुसलमानों से तंग आ गई हैं? देखिए मैं सच बताऊं, मैं ज्यादा इंडियन और पाकिस्तानी न्यूज में फॉलो नहीं करती हूं क्योंकि मैं यूके में रहती हूं, मैं यूके में ही पैदा हुई हूं, मेरे कोई पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा क्या मेरी ना नेशनलिटी है पाकिस्तान की, मेरे वहां माँ बाप पैदा हुए थे और पाकिस्तान में, तो मैं फॉलो नहीं करती हूँ कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुझे यूके की ज्यादा फिक्र होती है। आई थिंक के दाढ़ी देखें जो मुसलमान रखते हैं, और क्योंकि मुसलमान जो है फिर दहशतगर्द भी निकलते हैं, रिलीजियस टेररिज्म जिसको बोलते हैं, तो इन चीजों से मुसलमानों के नाम बदनाम है। ऑफ कोर्स एक डरावना लुक भी आता है खतरनाक किस्म का, दाढ़ी अगर किसी को रखने नहीं आती है ऑफ कोर्स अच्छा थोड़ी लगेगा, फिर लुक के ऊपर होता है ना कि क्या है। तो आई थिंक ये चीजें जुड़ी भी नहीं है, मगर एक इमेज लोगों का दिमाग में बन चुका है मुसलमानों को लेके जो अच्छा इमेज नहीं है पूरी दुनिया में, चाहे वो शक्ल हो, चाहे वो दाढ़ी हो, चाहे वो टेररिज्म हो या जो भी हो, एक लोगों ने अपने दिमाग में एक गोस्ट बना लिया है, मंस्टर अपने दिमाग में, और जो और फिर करते हैं ना, फिर मुसलमान हमारे ऐसी हरकतें भी करते हैं कि लोग फिर बोलते हैं हमें सही डर है मुसलमानों को लेके। जी बिल्कुल आपने सही कहा, और इसी चक्कर में तो बहुत से कंट्रीज ने वीजास भी बंद कर दिए हैं। आप जो कि इस वक्त यूके में मौजूद है तो वहां से भी मैं काफी ज्यादा केसेस पढ़ती रहती हूँ कि वहां पर भी कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं जिसके बाद
यूके खासा पसंद नहीं करता मुसलमानों को, जैसे बहुत से पाकिस्तानी मुसलमान वहां पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ बदसलूकियां करते हुए पकड़े जाते हैं। तो आप वहां पर मौजूद हैं, आपके सामने तो केसेस लाइव होते होंगे, तो क्या कहते हैं वहां पर कि इनकी क्या ऐसी हरकतें हैं जिसके बाद ये पूरी दुनिया के अंदर वांटेड हो जाते हैं? अब जनरली मुसलमानों के बारे में पूछ रही हैं या पाकिस्तानियों के बारे में? पाकिस्तानी मुसलमान। पाकिस्तान के जो लोग हैं मुझे एक आग भाते नहीं है। मैं काफी दफा पाकिस्तान गई हूँ बचपन से, मुझे नहीं पसंद पाकिस्तान के लोग। एक नंबर के झूठे, मकार और फ्रॉड, और जहाँ जाते हैं अपने आप को जलील करते हैं, जहाँ जाते हैं अपने आप को बदनाम करते हैं। जो हरकतें की पाकिस्तान में होती है वही हरकतें बाहर जाके करते हैं। जो हम लोग जो भले हमारे माँ बाप, जैसे मेरे माँ बाप पाकिस्तान में पैदा हुए, हम जो लोग हैं जो अब नई जनरेशन जो यहाँ पैदा हुई वेस्टर्न मुल्कों में, हम लोगों को तकलीफ उठानी पड़ती है उन जाहिलों की वजह से जो पाकिस्तान से आए हैं, क्योंकि हरकतें ऐसी करते हैं जाहिलत वाली। अरे ऐसी हरकतें करनी थी तो अपने मुल्क में जाके रहना, यहाँ क्यों आए हो? तो बदनाम है पूरी दुनिया में पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग यूके में कोई भी पसंद नहीं करता। एक गाली है, पाकिस्तानी अपने आप को बोलना एक गाली है। और मैं तो बोलती ही नहीं हूँ भाई, मेरा ना कोई ताल्लुक है। मैं तो ये बोलती हूँ भाई, मेरे माँ बाप गलती से पैदा हो गए तो मेरी इसमें क्या गलती थी? और वो भी मेरे फैमिली जो है छोटी उम्र में आई है यहाँ पर। मेरी जो माँ बाप थे वो टीनेजर्स थे एक्चुअली, और उससे पहले मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो है पार्टीशन हुआ तो वो यूपी से कराची आए जो पार्टीशन हुआ। तो मेरी पूरी तो हिस्ट्री तो मेरी इंडिया की है भाई, अगर मैं कभी इंडिया गई नहीं हूँ। तो हाँ, हरकतें ऐसी ऐसी चीप घटिया हरकतें करते हैं, उनको लगता है पकड़े, यानी कोई रूल्स रेगुलेशंस का एहसास नहीं, कोई वक्त के पाबंद नहीं, तमीज नहीं कि बात कैसे करते हैं। जाहिलों की तरह जोर जोर से बातें करते हैं, अपनी जबान में बात करते हैं, अंग्रेजी सीखते नहीं है, शलवार कमीज पहनते हैं। एक होती है कि अच्छी शलवार कमीज ढंगी के, दूसरे मजहब या मुल्क का रेस का इंसान देखे तो अच्छा लगे। एक होता है बिल्कुल ऐसा लगता है कि सो के उठ के आए हैं और ऐसी हालत में ना बाल कंघी करे में औरतों ने, और यहाँ तो आधी औरतें जिहादन बन चुकी हैं, ये पहनती हैं अपने वो हिजाब और निकाब और पता नहीं क्या क्या, ऐसा लगता है कि जिहाद करने जा रही है। ठीक है, ऐसे लोगों को कौन पसंद करेगा जी? अच्छा, मुसलमान तो इंडिया के अंदर भी मौजूद है और वो भी सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है इंडिया की, तो क्या उनके बारे में भी इस तरह की स्टेटमेंट्स पास की जाती है, जैसे स्पेशली पाकिस्तानियों के बारे में की जाती है कि इन्होंने गन खोला हुआ है और जितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज है, टेरर लिंक्स है, वो सारे के सारे पाकिस्तानियों से ही मुंसलिक होते हैं? क्या इंडियन मुसलमानों के लिए भी यही सब होता है बाहर की कंट्रीज में, या उनका इमेज थोड़ा अच्छा है? देखिए, इंडिया अपने मुसलमानों के लिए जाना नहीं जाता, इंडिया माना जाना जाता है अपने हिंदुओं की वजह से जो, और उनके हिंदू जो है अच्छा कर रहे हैं पूरी दुनिया में। अफकोर्स अगर कोई मुसलमान इंडिया से है तो लोग उसको बेहतर समझते हैं उस इंसान से जो पाकिस्तान से है, मगर इंडिया जो मशहूर है और तरक्की कर रहा है वो मुसलमानों की वजह से नहीं कर रहा, बल्कि मुसलमान तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मुसलमानों ने हिंदुओं का जीना हराम इंडिया में भी करा होगा, इनका यही काम है करना। तो ये जो आगे बढ़ रहा है इंडिया, ये कोई मुसलमानों का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। इंडिया के जो मशहूर हो रहा है कि जो जैसे तालीम में और एजुकेशन में और प्रोग्रेशन में, ये हिंदुओं की वजह से हो रहा है जी। बिल्कुल सही मैम, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो पाकिस्तान में हमेशा यही हेडलाइन चलाई जाती है कि वहां पर तो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, कश्मीर में तो भाई डंडे बरसाए जा रहे हैं, कश्मीर में तो फायरिंग हो रही है, मुसलमानों को खत्म किया जा रहा है, मस्जिदों को खत्म किया जा रहा है। अभी उसी इंडिया ने, क्योंकि पाकिस्तान में काफी ज्यादा ये डिमांड की जाती है कि अजमेर शरीफ चुके इंडिया के अंदर है तो वहां पर जाकर हमने ज़ियारत करनी है, इसी चक्कर में वीजे नहीं मिलते थे, तो इंडिया ने पाकिस्तानियों की डिमांड देखते हुए तकरीबन 250 लोगों को अभी वीजा इशू किए हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इतनी ज्यादा नफरतें होने के बावजूद और पाकिस्तान के अंदर तो स्पेसिफिकली ये बोला जाता है कि हमने गज़वा हिंद लड़नी है और दिल्ली के अंदर जाके पाकिस्तान का झंडा गाड़ना है, तो इन सब चीजों को देखते हुए भी, सारी हेट को मद्देनजर रखते हुए भी उन्होंने वीजा दिया है पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, क्या कहेंगे आप? और वो भी अजमेर शरीफ में विजिट करने के लिए, क्या कहेंगे आप? मैं ये बोलूंगी कि पाकिस्तानियों को बिद्दत करना बंद करना चाहिए, ये मज़ारों में जाना और ये बिद्दत करना और अजमेर शरीफ, ये कहाँ कुरान में लिखा हुआ है? कब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब बोला था कि मज़ारों में जाओ? बल्कि ये तो मना करा गया है कि ये नहीं करनी चाहिए हरकत। यही घटिया हरकत है, मैंने पाकिस्तान में देखी जब मैं गई थी, मैं बहुत पसंद बिल्कुल भी नहीं करती पाकिस्तानियों को। ये तो मेरे रिश्तेदार भी हरकतें कर चुके हैं, मैंने तो मना कर लिया था भाई, मज़ारों में मैं जाती नहीं हूँ, ऐसे टूरिस्ट में चली जाऊंगी, मगर मैं, मुझे पसंद नहीं है सब, मैं कभी गई नहीं हूँ ना मैं जाती हूँ। और ये कोई रिलीजियस विलीजियस चीज नहीं, ये बिद्दत करने पाकिस्तानियों को जाना है जिसमें कोई इस्लाम का ताल्लुक नहीं है। और अगर इंडिया ने मौका दिया है पाकिस्तानियों को बिद्दत करने के लिए,
और उनको इजाजत दी गई आने के लिए, तो ठीक है भाई, उम्मीद है कि बम फोड़ेंगे नहीं वहां पर और कोई आतंकवादी वाला हरकतें करेंगे नहीं, क्योंकि अगर करेंगे तो फिर आप लोग खुद बुझेंगे। और ये जो फैलाते हैं मुसलमान, क्या करते हैं कि पहले दूसरे लोगों को तंग करते हैं, फिर जब उनको पकड़ा जाता है फिर बोलते हैं यार देखो मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। और ये कहानियां इसलिए फैलाते हैं ताकि और जहादी पैदा कर सकें, यही चीज है सिर्फ। आई थिंक अगर इंडिया जो है मौका लोगों को दे रहा है तो भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान के लोग भरोसा तोड़ते हैं तो फिर किसी और के फिर वो लोग उंगली नहीं उनको उठानी चाहिए। आई थिंक इंडिया अच्छा करना चाहता है, वो क्यों पाकिस्तान पे भरोसा रखे जो पाकिस्तान ने इतनी दफा भरोसा तोड़ा है, और पाकिस्तान के जो हालात इतने खराब हैं कि भीख मांगता रहता है पाकिस्तान सब लोगों से, तो पाकिस्तान को अपने आप को उठाना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए कि जलील ना हो, जहां जा रहा है जलील हो रहा है और भीख मांग रहा है कटोरी लेके, और कोई कौन बिजनेस करना चाहेगा आतंकवादी के साथ। यानी अगर कोई आपका दुश्मन है कि आप उसको घर में आने देंगे, आप क्या बुलाएंगे खाने पीने पे? नहीं ना। तो पहले तो इस लायक होना चाहिए जो इंसान घर के अंदर आना चाह रहा है उसको इस लायक होना चाहिए कि आप उसको घर में बुलाएं, उसके साथ दोस्ती रखें। तो हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया जो है ये करे वो करे? इंडिया भीख थोड़ी मांग रहा है, इंडिया तो बहुत अच्छा कर रहा है, इकोनॉमी भी चल रही है, लोग भी पूरी दुनिया में अच्छे तरीके से मशहूर हो रहे हैं। और ये सारी बातें हम पाकिस्तानियों के बारे में ना पाकिस्तान के बारे में बोल सकते हैं जी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और लुबना जैदी जी का ये रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा भी आया होगा, जहाँ पे आपने देखा लुबना जैदी ने तारीफ की भारत और भारतीयों के बारे में, खासकर भारतीय हिंदुओं के बारे में, और ये कहा कि खुद चाहे वो पाकिस्तानी मूल की है, उनके पेरेंट्स पाकिस्तान से थे, वो जितनी बार भी पाकिस्तान गई हैं वहां से उनको हमेशा ही नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला है और वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को नापसंद करती हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।